हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम और स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैठानी ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ उत्तराखंड की एक और फेमस जो रेसिपी है वो शेयर करने वाली हूं, और ये है दाल के भरे हुए पराठे, जिनको हम गढ़वाली में भरी रोटी बोलते हैं, मतलब भरी हुई रोटी। तो ये दाल से बनाई जाती है और मैं यहाँ की लोकल, अपनी जो गढ़वाल की वो लोकल दाल से बना रही हूँ। अगर आप लोग को ये रोटी बनानी है तो आप लोग काले चने से भी इसे बना सकते हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी शुरू करते हैं और प्रॉपर मैं इसको अपने तरीके से बनाने की कोशिश करूँगी। अगर मुझसे वीडियो में कोई गलती होती है तो प्लीज़ उसे इग्नोर करें, और आप लोगों ने वीडियो को काफ़ी प्यार दिया है तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। ये जो पराठे हैं ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं, और इनको हम कटोरी भरकर घी लेते हैं और चाय इसके साथ खाई जाती है। तो चाय, भरी हुई रोटी और पराठे खाते हैं। मैंने यहाँ पर दो तरीके से बताया है कि पराठे किस कैसे बनाने हैं, और जो ये घी है ये मैंने मलाई से बनाया था, इसकी वीडियो भी मैंने आप लोग के साथ शेयर की थी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर दाल ली है गौत, और ये है लोभिया, इसको हम लोग गढ़वाली में बोलते हैं सूट। तो ये पहाड़ की दाल होती है, मतलब पहाड़ों में ज़्यादा होती है ये दाल। और आज मैं इसके भरे हुए पराठे बनाने वाली हूँ। तो मैंने ये दाल रात में भिगो दी थी, अब मैं इसको कुकर में बॉयल करने के लिए रखती हूँ। तो एक दो बार धोकर मैं इसको कुकर में रखती हूँ, दिखाती हूँ आपको। अभी मैंने दाल को धोकर अच्छे से कुकर में डाल दिया है और अब मैं इस पर पानी डालूँगी। पानी मैंने गरम रखा हुआ था, इसको डाल लेती हूँ मैं, और पानी में ज़्यादा नहीं डालूंगी फ्रेंड्स, क्योंकि इसकी भरी हुई रोटी बनानी है तो दाल मुझे बिल्कुल भी गीली नहीं करनी है। अगर दाल गीली हो गई मेरी तो ये भरी हुई रोटी बनेगी नहीं, फूट कर वो बाहर निकलेगी। तो इसको मैंने रात भर भिगोया था तो इस पर पानी बहुत कम लगेगा। अगर आप रात में नहीं भिगोते हो तो इसमें तब पानी ज़्यादा डालना है। अभी देखिए मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और लगभग इस पर मैं चार सीटी लगवा देती हूँ। अब ये देखिए मेरी दाल बॉयल हो गई है और पानी इसमें कितना कम लगाया था मैंने, फिर भी थोड़ा बहुत पानी बच रखा है क्योंकि रात में भिगोई थी दाल, और देखिए अच्छे से गल गई है। अब इस दाल को मैं एक अलग बर्तन में निकालूंगी और इस तरह से निकालूंगी ताकि इसका पानी यहीं छूट जाए और सूखा इसका हमें मसाला जैसे चाहिए भरने के लिए। ये पानी को बिल्कुल अलग कर देना जितना भी पानी है, तब हमारी रोटियां बहुत अच्छी बनेगी। इस तरह से कर रही हूँ मैं। दाल मैंने थोड़ी सी ज़्यादा भिगो रखी है क्योंकि जो ये दाल है इसको मैं जैसे चावल के साथ बनाती हूँ वैसे दाल बनाऊंगी, और ये मैंने सूखी सूखी निकाल ली है तो इसको मैं पीस के और रोटी के अंदर भरने के लिए मसाला बनाती हूँ। इस दाल को सिलबट्टे में पीसते हैं, तो सिलबट्टा नहीं है मेरे पास, लिप में पीस रही हूँ मैं। थोड़ा सा मैंने लहसुन लिया है और धनिया की मोटी मोटी डंडियाँ ली हैं, इसको मैं साथ में पीस लूँगी। और ये बारीक वाला धनिया पत्ती थी जो मैंने वो काट के रखी, उसको बाद में मिलाती हूँ मैं। तो पहले इन दोनों को पीस लूँगी। उत्तराखंड में गरम मसाले बहुत कम खाते हैं, शादी वगैरह में ज़्यादा गरम मसाले डालते खाने में, नहीं तो बस हमारा सिंपल सा मसाला है कि हरा धनिया और लहसुन ले लो, इसको पीस दो। अब मैं ये दाल डालूंगी थोड़ी थोड़ी और इसको साथ में पीस लेती हूँ यहाँ पे। मैंने पानी कम लगाया था लेकिन फिर भी पानी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, अगर पानी उससे भी कम लगाती तो और अच्छा होता। अभी भी मुझे दाल थोड़ी सी गीली लग रही है, और इसका यही है अगर इसमें पानी थोड़ा भी ज़्यादा हो गया तो रोटी ना फूट के बाहर निकलती है। अभी देखती हूँ, थोड़ा सा गीला तो लग रहा है मुझे, रोटी अच्छी बन पाती कि नहीं बन पाती है। अभी दाल मैंने पूरी यहाँ पर पीस ली है, अब मैं थोड़े इसमें मसाले ऐड करती हूँ। और जो डालूंगी सबसे पहले मैं यहाँ पे डालूंगी हींग, हींग डालने के बाद मिलाती हूँ मैं यहाँ पर नमक, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, और इसमें डालूंगी मैं अब अजवाइन,
तो इनको एक बार अच्छे से मिला लेती हूँ। धनिया पाउडर तो नहीं डालती हूँ मैं, कोई कोई धनिया पाउडर भी डालते हैं, मैं नहीं डालती हूँ। अब इनको एक बार अच्छे से इस तरह से मिला के, और हाथ देखिए मेरे, अब इनको एक बार से फिर से मैं अच्छे से मिला लेती हूँ। अब इसमें जो मसाले हैं वो लहसुन पड़ गया है और नमक मिर्ची। कलर के लिए मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी भी डालूंगी। हल्दी मैं कभी कभी ऐड करती हूँ, कभी कभी नहीं करती हूँ, ये ऑप्शनल है, क्योंकि रोटी के अंदर ही भरते हैं तो इतना पता नहीं चलता इसका। अभी मसालों के साथ अच्छे से मिला के फिर दिखाती हूँ आपको। अभी मेरा ये दाल तैयार हो गया, मसाला दाल का, और ठीक है, सूखा ठीक ठाक ही बना है, फूटनी तो नहीं चाहिए रोटी, अगर फूटेगी तो तब देखती हूँ दूसरे तरीके से बनाऊंगी। अब मैं इसको प्लेट पर उठा लेती हूँ, और इसका हाल देखो, सिलबट्टा भी इससे ऐसे ही हो जाता है। तो चलो इसको साफ करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और हाँ, इसमें साथ में मैं अभी ये धनिया भी मिला लूंगी, और इसको अच्छे से मिला लेती हूँ। तो चलो इसको मिला के फिर दिखाती हूँ आपको। अब ये देखिए मेरा मसाला है, और मैंने अलग बर्तन में निकाल दिया, इसमें एक चम्मच रखी है। इस तरह से निकालूंगी मैं, हाथ नहीं लगाना, बहुत हाथ पे चिपकता है ये मसाला। जब तक मेरी दाल बॉयल हो रही थी तब तक मैंने आटा बना के रख दिया था। अब आटा इतना लूंगी मैं, थोड़ा सा मोटा गोला लेना है, क्योंकि इसके अंदर हमें दाल भरनी है। थोड़ा इस पे सूखा आटा लगा लिया मैंने, और थोड़ा सा इसको बेल लूंगी पूरी के बराबर। अब हाथ में इस तरह से पकड़ा, और एक चम्मच लिया मैंने मसाला। इसमें हम अपने हिसाब से भर सकते हैं कम ज़्यादा, वैसे जितना ज़्यादा मसाला रहता है उतना ये रोटी अच्छी होती है। ये भर दिया, और इसको इस तरह से, ये देखिए, गांव में तो इसी तरीके से मम्मी बनाती थी। अभी ये टूटेंगे तो तब मैं अलग तरीके से बनाऊंगी, और अगर ये नहीं टूटते हैं तो मैं इसी तरीके से बनाऊंगी। इसे राउंड करके मैंने यहाँ पर और बंद कर दिया है। अब इसको थोड़ा सा आटा लगाऊंगी और नॉर्मल बेलती हूँ, फिर देखती हूँ कैसे बनते हैं। हल्के हाथ से बेलूंगी ताकि ये टूटे नहीं, कहीं से जो दाल है वो बाहर ना निकले। अगर हल्की फुल्की निकलती है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा निकलेगी तब ये खराब हो जाते हैं। ये देखिए हल्की हल्की तो निकल रही है, जितना इसको हल्के हाथ से बनाऊंगी उतनी अच्छी बनेगी। एक रोटी मैं दूसरे तरीके से भी बनाऊंगी। तो ये देखिए ठीक ठाक बन गई। अगर मेरी दाल थोड़ी सी और पानी कम लगाया होता मैंने तो बहुत अच्छी बनती। अब मैं इसे तवे पे डालती हूँ। तवा मेरा गर्म हो गया है, ये डाल दी मैंने रोटी, और हम लोग इसको बोलते हैं भरी हुई रोटी, गढ़वाली में बोलते हैं भरी रोटी, भरे हुए पराठे भी बोलते हैं आजकल तो बच्चे इसको, भरे हुए पराठे ही बोलते हैं। जब तक मेरी वहाँ पर रोटी बन रही है तब तक मैं यहाँ पर फटाफट से दूसरी रोटी भी बेल लेती हूँ। दो रोटी मैं ऐसे बनाती हूँ, उसके बाद एक अलग तरीके से बनाऊंगी। और जब इस रोटी को हम लोग गांव में घी के साथ खाते थे उसका स्वाद ही अलग होता था, घी और चाय चाहिए थी। चने से, काले चने से भरकर भी ऐसे रोटी बनाते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा तेल लगाऊंगी, तेल की जगह में घी भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं पकाते टाइम तेल लगाऊंगी। और हम इसमें बाद में कटोरी में घी लेकर खाते हैं, वो भी दिखाती हूँ आपको कैसे।
ये हमारी भरी रोटी यहाँ पर तैयार हो गई। हल्की हल्की से फूल गई है, तो पूरी फूल नहीं रही, नहीं तो ये बहुत अच्छे से फूलते हैं मोटे मोटे। अब मैं इसको निकाल देती हूँ और दूसरी रोटी डालती हूँ यहाँ पे। अब मैंने दूसरी रोटी डाल दी और देखो ये भी साइड साइड से फट रही है। तो एक रोटी मैं अलग तरीके से बनाती हूँ, उसको देखती हूँ मैं फूटती कि नहीं फूटती है। जब मैं एक ही रोटी के अंदर भर के बना रही थी तो गोली मैंने थोड़ी सी मोटी ली थी आटे की। अब जो लोई है, दो लोई ली है मैंने, और जैसे हम मूली के पराठे बनाते हैं जब वो फूटते हैं, तो उसी तरीके से इसे बनाकर देखती हूँ मैं। थोड़ा सा यहाँ पर बेल दिया, अब इसको भी बेल देती हूँ। लगभग दोनों रोटी बेल गए मेरे। अब मैं इनके अंदर मसाला भर लेती हूँ। और इसको बंद कर लेती हूँ इससे। मूली वगैरह के पराठे भी बनते हैं इसी तरह से। इनकी जो दोनों कॉर्नर है इनको बंद कर दूंगी। अब इस पे एक बार सूखा आटा लगाती हूँ, फिर बेलती हूँ। तो देखिए ये कम फूट रही है, अभी तक तो फूटी नहीं है और गोल भी बिल रही है। कभी कभी जब दाल ज़्यादा ही पतली हो जाती है, पानी उसमें ज़्यादा हो जाता है बॉयल करने में, तो फिर सारी रोटियां इसी प्रोसेस से बनानी पड़ती हैं और उससे ये अच्छी लग रही है, तो मैं अपनी रोटियां इसी तरह से बनाऊंगी। अब ये रोटी भी दोनों साइड से सिक गई है, तो इस पे भी मैं तेल लगा लेती हूँ। देखिए कितने अच्छे से फूल रही है रोटी। अब ये मेरी रोटी पक गई, तो निकाल देती हूँ मैं इसको भी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी भरी हुई रोटी हो गई खाने के लिए तैयार। और ये लिया है घी, ये मैंने कल ही बनाया था मलाई से, वो मैंने आपको दिखाया। और इसको हम इस तरह से लेंगे ये, और खाने के लिए हो गई है तैयार। तो आप लोग को ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप लोग भी घर में एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करें।